नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग भारत का इतिहास देख चुके हैं, विश्व का इतिहास देख चुके हैं, कला और संस्कृति देख चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर। अब चौथा हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब याद रखिए, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर बनेंगे होंगे और जितनी भी क्लास होंगी, वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसी में डली रहेंगी। ठीक है, तो चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो एक सामान्य परिचय दे देते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, राज्य व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, फिर बात करेंगे भारतीय संविधान की रचना, भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे, उद्देशिका देखेंगे, संविधान के स्रोत देखेंगे, मौलिक अधिकार देखेंगे, मौलिक कर्तव्य देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, भारत का महान्यायवादी एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे, निर्वाचन एवं भारत का निर्वाचन आयोग, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग और लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे, अल्पसंख्यक आयोग और जो राजभाषा आयोग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को भी देखेंगे, संसद की समितियां देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध भी देखेंगे, भारतीय न्यायपालिका भी देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका देखेंगे, स्थानीय प्रशासन, शहरी प्रशासन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखेंगे, फिर भारत का एक संविधान देख लेंगे एक नज़र में। उसके बाद हम लोग अनुसूचियां देख लेंगे, फिर बात कर लेंगे उच्च न्यायालय अधिकारिता और अवस्थान, सूचना का अधिकार, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख राष्ट्रीय आयोग हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो आपकी राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, शब्द हैं, उनका अर्थ भी जान लेंगे। और लास्ट में हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संविधान, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटिवरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रबंधन करना, व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना होता है। याद रखना, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। ठीक, और एक बात याद रखिए, अगर आप लोग संविधान का विस्तार, क्यों जरूरी था संविधान, ये सभी ज़्यादा ही विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा ही आपका लगाव है संविधान के प्रति, तो हम लोग अभी NCERT बुक्स रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें अभी लेक्चर कुछ ही टाइम पहले हम लोगों ने लेक्चर देखा था लोकतंत्र और संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग 1 डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, 1895 में, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो याद रखना, स्वराज विधेयक से कौन संबंधित हैं आपके, बाल गंगाधर तिलक साहब। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की मांग की थी। तो याद रखना, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट द्वारा ही की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की समक्ष समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी, यानी कि सभी शक्तियां गवर्नर और 24 सदस्यीय परिषद के हाथ में थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं
1776 का, 1726 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1726 कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल, उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किए गए। तो याद रखना, कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उनकी परिषद को विधायी अधिकार आपके 1726 चार्टर एक्ट के तहत दिए गए थे। अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निहित होती थी। तो यह आपका 1726 की विशेषता है। फिर हम लोग 1773 की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। जिसे अभी तक गवर्नर कहते थे, उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने के अधिकार दिए गए। दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। तो याद रखना, तीन विशेषताएं हो गई यहाँ 1773 की। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोर्ट की दीवानी, फौजदारी, नौसेना तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसले का अधिकार प्राप्त हो गया। तो पूछता है ये कई बार कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो याद रखना, 1773। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और तीन आपके अपर न्यायाधीश होते थे। याद रखना, इस कोर्ट में आपके एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अपर न्यायाधीश होते थे। तो अब आपको बता देते हैं, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एसएससी वगैरह इस तरह के जो भी बैंक आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था इसका। तो सर एलिया एली जाय एमपे, जो 1773 के एक्ट के तहत आपका कोर्ट स्थापित किया गया, न्यायालय, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एली एली जाय एमपे। अन्य तीन न्यायाधीशों में आपके चैम्बर्स, लिमिनिस्टर और हाइट थे। इनको याद रखना है, पूछ लेता है। ठीक है, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये भी आपका क्वेश्चंस एक बार नहीं, हजार बार पूछ लिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ बताता जा रहा हूँ महत्वपूर्ण है, उन्हें आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही फोकस देकर पढ़ना है, याद रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये थी सभी आपकी 1773। अब पहुँचते हम लोग पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पर। पीट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका बन के तैयार है। पीट्स इंडिया एक्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। याद रखना, आपका 1784 एक्ट के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय आदि को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था, तथा व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद बनाए गए। अगर पूछे कि आपका 1784 का एक्ट किस लिए लाया गया था, तो इस कारण को आप लोग समाहित कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं इंटरव्यू में पूछ रहा है तो इसे बता सकते हैं।
आपका 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि आपके मोहल्ले में एक ही दुकान है, अब वो चाहे तो कितने भी महंगे बेचे, कुछ भी प्रोडक्ट जो भी उत्पाद हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है क्योंकि आपका आपके पास एक ही ऑप्शन है। इसी तरह एकाधिकार था भारतीय व्यापार पर, ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार था, कोई दूसरी कंपनी थी ही नहीं, तो इसका एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया, जो एकाधिकार था उसे ख़त्म कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका हज़ार बार पूछ लिया कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, किस एक्ट के तहत, तो आपको याद रखना है 1813 के एक्ट। किंतु उसे चीन के साथ, इसको याद रखना, चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 1813 के एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर याद रखना, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे चीन और चाय से कब समाप्त हुआ एकाधिकार इनका। इस राजलेख द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। फिर आता है आपका 1833 का, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, जो एकाधिकार था इसका व्यापार अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना चाय और चीन को किस अधिकार द्वारा समाप्त किया गया था, किस चार्टर एक्ट द्वारा, तो ये आपका 1833 का था। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो याद है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति की गई जिसे विधि सदस्य कहा गया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना भी की गई। ये सभी आपके 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही हुए हैं सब। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। चार्टर एक्ट 1833 की एक विशेषता आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया इसके तहत। फिर आता है आपका 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। याद रखना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रयास किया गया था खुली प्रतियोगिता के लिए, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये आरंभ भी हो गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई।
ये सभी आपके 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आपका 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के तहत अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। इस अधिनियम के में गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो याद रखना, 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल जो इस पद था, इसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिनियम में 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम यानी कि 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। जो 1784 में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई थी, 1784 में उसे द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिया गया। इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, याद रखें। फिर उसके बाद आपका आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिकार दिए गए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत ये सभी घटनाएं घट रही हैं। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारतीय संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो इस संविधान में ही हम लोग देखेंगे किस तरह आपके राज्यपाल राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसे भी देखेंगे। लेकिन याद रखना, 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत मद्रास बंबई की सरकारों को व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार दिए गए। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका का देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिन ने तीन भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया सर्वप्रथम। इन नामों को याद रखना है। फिर आता है आपका 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गई है। जो गवर्नर जनरल होता था, इसके अधिकारों में, विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। ये आपका 1865 में हुआ। फिर आपका 1869 का अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगर पूछे कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को दिया गया था, तो आप बता सकते हैं 1869 का अधिनियम। फिर आपका 1876 का शाही उपाधि अधिनियम आया। इसके तहत औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान किया गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की संवर्गी घोषित किया गया। तो याद रखना, 28 अप्रैल 1876 को ये हुआ। फिर आता है आपका 1852
इसके तहत क्या क्या हुआ इसे भी देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अप्रत्यक्ष रूप से परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1892। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम सदस्य 16 निर्धारित की गए। ये आपकी 1892 के अधिनियम की विशेषताएं हो गई। फिर आता है आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस समय आपके लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, तो इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसका नाम दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की कर दी गई थी, जो आपकी 16 पिछले अधिनियम में की गई थी, अब इसमें आपकी 60 कर दी गई। इसमें आपके 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य 27 निर्वाचित होते थे, जिनमें 15 सदस्य आपके मनोनीत होते थे। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? तो याद रखना है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की तरह। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधि का पिता कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधि नेतृत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये था आपका 1909 का अधिनियम। फिर आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। इसके अंतर्गत यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत आपकी भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। केंद्र में द्वैध सदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत प्रथम राज्य परिषद, द्वितीय थी आपकी केंद्रीय विधान सभा स्थापित। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 आपके निर्वाचित थे और 41 आपके मनोनीत थे। सर्वप्रथम प्रथम रूप से प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किया गया, जो कि प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में था। इसके अंतर्गत आपके 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें बंबई परिषद में आपके 111, मद्रास विधान परिषद में 127, बंगाल विधान परिषद में आपके 239, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में आपके 123, पंजाब की विधान परिषद में 93, बिहार एवं उड़ीसा के विधान परिषद में 103, मध्य प्रांत और बरार के विधान परिषद में 70 और असम विधान परिषद में आपके 53 सदस्य शामिल थे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। याद रखना इसे, बहुत महत्वपूर्ण है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा ही आपके भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का
अधिकार दिया गया। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं IAS। इस लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत ही, ठीक है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1927 में आपका साइमन कमीशन आयोग आया। इसके साइमन कमीशन आयोग के आने के बाद भारत में बड़े स्तर पर विरोध हुआ क्योंकि साइमन आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अब जिस देश का, जिस जनता का आप लोग निर्धारण करना है, जिनकी ज़िंदगी के क्या करना है क्या नहीं, उसमें उन्हीं को शामिल नहीं किया गया, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। तो ये सभी आपके 1919 एक्ट के तहत घटनाएं घटी। फिर आपका 1935 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत में एक फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। अधिनियम में आपके 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। याद रखना इन्हें सबको, पॉइंटों को याद रख लीजिए। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। 1935 के अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया क्योंकि 1935 के अधिनियम के ये अधिकतर प्रावधान आपके संविधान में लिए गए हैं, इसलिए मिनी संविधान भी बोलते हैं इसे आप लोग। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संविधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में केंद्र में, याद रखना प्रांतों में द्वैत शासन का अंत हुआ इस अधिनियम के तहत, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्वि सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। आगे बात करते हैं इसी अधिनियम के तहत। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, यानी कि संघीय सूची इसमें 59 विषय, राज्य सूची इसमें 54 विषय, संवर्ती सूची इसमें 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघीय, राज्य और संवर्ती। संघीय सूची पर आपका केंद्र सरकार कानून बना सकता था, संघ। राज्य सूची पर राज्य सरकार। जो संवर्ती सूची थी इस पर दोनों, लेकिन दोनों में अगर विरोधाभास होती है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आपका केंद्रीय बैंक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। तो ये आप सभी की 1935 अधिनियम की विशेषताएं थी। फिर आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। तो याद रखना इस डेट को, 4 जुलाई 1947 को, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ, प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और ये स्वीकृति मिली से 18 जुलाई 1947 को।
15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए गए, यानी कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिल गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। तो ये थी आपकी भारतीय संविधान का एक विकास, ठीक है, मोटा मोटा सभी अधिनियमों को देख लिया, और यही अधिनियम आपके जरूरी भी रहते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान की रचना देखेंगे। इन सभी विशेषताओं को आप लोग रट लीजिए, फिर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में।